तेज हवा में बिजली का खंभा गिरने से खोखा हुआ क्षतिग्रस्त। आपको बताते चले मामला थाना फतेहगंज पूर्वी के स्टेशन रोड का है। समय लगभग 6 बजे के करीब, जहां गुरु कृपा कन्फेंसरी का खोखा है, जिसके ऊपर आज अचानक तेज हवा चलने से एक लाइट का खंभा खोखे के ऊपर गिर गया, जिससे खोखे की एक साइड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई तथा उसी के खोखे के बीच एक लिप्टिस का पेड़ गिरने से बिजली के तार नीचे की ओर लटकने लगे, जिससे वहां पर दुकानदारों को अत्यंत परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। खोखे के ऊपर खंभा गिरने से नगर के मार्केट की लाइट व कॉलोनी की लाइट अब 2-3 दिन के लिए बंद हो गई है, जिससे मार्केट व कॉलोनी वासियों को अंधेरे में 2-3 दिन तक रहना पड़ेगा। वहीं खोखे के मालिक राजन ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को इस घटना की सूचना दी। उसी खोखे के आसपास ठेले भी लगते हैं। गनीमत ये रही कि किसी दुकानदार व जनता के कोई चोट नहीं पहुंची। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि खंभे को हटाने का कार्य जल्दी ही किया जाएगा और वहां पर दूसरा खंभा लगाया जाएगा, जिससे नगर के स्थायी दुकानदारों को परेशानी न उठाना पड़े। गुरु कृपा कन्फेंसरी के अंदर आर्थिक भी पहुँच गई थी। दुकानदार इसको देखकर घबरा गए और दुकान से तुरंत बाहर निकल गए।